बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। वर्ल्ड अफेयर्स में आज डिस्कस करने लगे हैं जी, जो स्वीडन ने जो है वो नेटो को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, इसको डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसको हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है और उसकी इम्प्लीकेशंस को भी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई नेटो जो है अब वो उसका अलायंस बढ़ता जा रहा है हर अगले साल। और ये भी देखा जा रहा है कि भाई स्वीडन जो है, स्वीडन जैसा मुल्क जो जिसने 200 साल जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलिटी के अंदर गुजारे हैं, ठीक है, तो 200 साल न्यूट्रलिटी में गुजारने के बाद उसे ऐसी क्या जरूरत जो है वो महसूस हुई कि उसने फिर अब जो है वो स्टेप इन कर लिया और वो नेटो अलायंस का हिस्सा बन गया। इसका मतलब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स बिहाइंड द सीन हो रही हैं दुनिया के अंदर जो ये लोग फील कर रहे हैं, ये स्टेट्स फील कर रही हैं, लेकिन शायद हम तक वो डेवलपमेंट्स नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्वीडन ऑफिशियली ज्वाइंस नेटो अलायंस, अब एक तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, दूसरा हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं कि ये न्यूज़ किस तरह से जा रही है आगे कि सेटिंग स्टेज फॉर WW3, कि क्या हम ये देख रहे हैं जो अलायंस बन रहे हैं ये दुनिया के अंदर, और ऐसी नेशंस जो जैसे स्वीडन खुद है कि 200 साल अगर ये न्यूट्रल रहा तो इसका मतलब अब चीज़ें ऐसी जा रही हैं कि न्यूट्रलिटी मुश्किल हो रही है और दुनिया WW3 की तरफ जा रही है, अलायंस बना रही है, तो इस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं। और हम इसको यूं भी देख सकते हैं एंड ऑफ न्यूट्रलिटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर क्या जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, जो हमने देखा खास करके जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था, खैर ये तो एक काफी लॉन्ग डिबेट है जिसको हम किसी और जो है वो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग लेक्चर है, हम यहां पर अभी स्पेसिफिक यहां पर रखेंगे, लेकिन आपको यह समझ आना चाहिए। देखिए न्यूट्रलिटी हमने देखा कि जैसे न्यूट्रलिटी जब एंड हुई, WW1 जो है वो तब हुई जब न्यूट्रलिटी नहीं थी, अलायंसेस बने तब हुई, ऐसा ही है WW2 अगर हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर जाके, तो हम देखते हैं जब इसी तरह से अलायंसेस फिर से बने तो फिर से एक और वॉर हो गई, ऐसे ही है। उसके बाद हमने देखा WW2 के बाद दुनिया ने कुछ सबक सीखा, ठीक है, और यूएन के नाम पे चले, उन्होंने इदारा बना दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा भाई अब जो है हम अपना अपना रहेंगे और दोबारा से ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होने देंगे जो कि WW3 की तरफ जाएं, ठीक है। तो दुनिया ने उस टाइम पर सबसे ज्यादा न्यूट्रलिटी देखी, खास करके यूरोपियन नेशन ने या अफ्रीका के अंदर, या हमने देखा कि कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट रहा, गो कि उसके बाद भी कोल्ड वॉर रही, ऐसा नहीं है कि WW2 के बाद ऐसा नहीं हुआ, कोल्ड वॉर रही है, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रल स्टैंस कई उमालिक का वहां पे मौजूद था जिनमें स्वीडन भी था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो उमालिक जो के उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे कोल्ड वॉर थी, न्यूट्रल थे, लेकिन अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, उनके लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो गया, उनके लिए साइड लेना जो है अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर हालात बने हुए हैं ना कि जैसे आपको साइड लेनी ही लेनी है, चाहे आप किसी की भी साइड लें, लेकिन आप मजबूर हैं इस टाइम पे साइड लेने के लिए, तो ये हालात यहां पर बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरह के हालात हमें दुनिया में भी देखने को मिल रहे हैं, और क्या देखने को मिल रहे हैं कि दुनिया के अंदर पोलराइजेशन जो है वो अपने एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, यानी ये जो तकसीम है, सियासी तकसीम है जिसमें नफरत आ रही है, ठीक है जी, आप हर चीज को उसमें ऐड कर सकते हैं, और ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज बन रही है, जिस तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं, तो ये चीजें हमें बता रही हैं कि पोलराइजेशन बढ़ रही है, और पोलराइजेशन जब बहुत बढ़ती है तो एक टाइम आता है कि फिर वो कहीं से भी जो है उसका एक बहुत बड़ा धमाका होता है, उसके नीचे के तौर पर एक वायलेंस क्रिएट होता है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं किसी मुल्क के अंदर। तो दुनिया में जब फिर इस तरह के रेवोल्यूशन आते हैं तो हम देखते हैं वॉर स्टार्ट हो जाती है जब इस तरह बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ती है। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर लगी हुई है इसमें ये एंटनी ब्लिंकन साहब है, आपको पता है ये मोस्ट फेमस हैं, ठीक है जी, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और साथ में ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको शील्ड दी जा रही है नेटो की तरफ से कि भाई नेटो का आप हिस्सा बने हैं, WW DC के अंदर जो है ये इनको दी जा रही है कि वेलकम, आप जो है वो नेटो का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है, अब आप गलत को गलत कहेंगे तब भी ठीक है, गलत को गलत नहीं कहेंगे तब भी आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, हमारी जुबान में। तो डिस्कस करते हैं इसको। देखिए स्वीडन जो है वो ऑफिशियली नेटो का मेंबर बन चुका है, ठीक है, और ये मेंबर कब बना, 7 मार्च 2024 को बना। थोड़ा सा हम ये वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है CSS के एग्जाम्स चल रहे थे तो स्टूडेंट्स वहां पे बिजी थे, तो 7 मार्च 2024 जो है उसको ये मेंबर बना ऑफिशियली, और उसने अपना जो न्यूट्रलिटी का एक एरा था जो 200 सालों पर मुहित था उसको एंड किया, ठीक है। अब ये वैसे जैसे फिनलैंड ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया या बाकी वाले जो ज्वाइन कर रहे हैं नेटो को या जिन्होंने ज्वाइन किया वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा न्यूट्रल रहे नहीं हैं। तो जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है इनको कभी इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ी,
समझ रहे हैं ना। तो अब अगर इन्हें जरूरत पड़ रही है तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो है हमने देखा कोल्ड वॉर के बाद से जो है, या खास करके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से, ये जो ईस्टर्न, यहां पे पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये जो एरिया है ये ईस्टर्न यूरोप का एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है जर्मनी का, फ्रांस का, यहां पे इस एरिया के अंदर तो हम देख रहे हैं कि ये अलायंसेस में था हमेशा से, हमेशा से जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, तो ये वाले क्या यूके, ब्रिटेन है, ये अलायंसेस का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं ईस्टर्न यूरोप की, तो ये अलायंसेस का हिस्सा नहीं रहा। यहां पे इवन सोवियत यूनियन का ज्यादा असर रहा कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो अब यहां पे इनका जो एरा है न्यूट्रलिटी का, वो एंड हुआ है। और जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर हैं उर्फ क्रिस्टेंसन जो हैं, इन्होंने, आप जिनकी पिक्चर देखी है, इन्होंने जो है वो ये कहा है कि भाई अब हम जो है वो अपना न्यूट्रलिटी को एंड कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात साथ में कही है कि हमें जरूरत महसूस हुई कि अब हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। जी हाँ, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि अब हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो हमारी पावर कम रहेगी, जो हम IR के अंदर पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, तो यहां पे एक्चुअली में यही हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पावर है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि जो छोटी स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, जो छोटी रियासतें हैं वो अपनी पावर को कैसे बढ़ाती हैं। जाहिर बात है जितनी भी मिलिट्री बढ़ा लें वो एक बड़ी रियासत, अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे स्वीडन की, अगर ये लेट्स सपोज स्वीडन है स्टेट ए, ठीक है, और यहां पे ये रशिया है स्टेट बी। अब स्टेट बी और स्टेट ए का कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये कितना असला बनाएंगे, कितना गोला बारूद बनाएंगे, कितना बनाएंगे, लेकिन फिर भी बी के मुकाबले में ये नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली स्टेट ए को क्या करना पड़ेगा, अलायंसेस बनाना पड़ेंगे अपने जैसे छोटे या बड़े मालिक के साथ मिलके, जो है वो अलायंस बनेगा, और इस तरह से इनकी पावर भी जो है वो डबल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि यहां पर पावर को जो है वो बैलेंस किया जा रहा है। तो जब बैलेंस होगी पावर, तो फिर जो है अब हम ये कहेंगे कि बी स्टेट जो है यहां पर इसके खिलाफ, ए जो है वो डिटरेंस की क्रिएट हुई है, यहां पे अब इनका मुकाबला बन रहा है, वरना नहीं बन रहा था। तो यही हालात अब इस टाइम पे चल रहे हैं। तो यहां पे अब अगर हम देखते हैं तो नेटो, देखिए बेसिकली नेटो क्या है जी, नेटो यहां पे जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है, ठीक है। और ये 1949 के अंदर 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी, और इसका पर्पस क्या था, इसके अंदर 32 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें 30 मालिक जो हैं वो तो यूरोप से शामिल हैं, और 2 मालिक जो हैं वो कनाडा है और अमेरिका है, वो नॉर्थ अमेरिका से शामिल हैं, ठीक है। बेसिकली रूल इसको, लीड इसको कौन कर रहा है, लीड इसको कर रहा है अमेरिका, लेकिन वो खुद एक किनारे पे बैठा हुआ है और साथ में उसके कनाडा मौजूद है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये जब बनी 1949 के अंदर, तो वो टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जिस टाइम पे यूरोप के कोई हालात नहीं थे, यहां पे मार्शल प्लान चल रहा था इसको रीडेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि अमेरिका ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उस टाइम पे अमेरिका ही पावरफुल था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का विनर था अलाइड पावर्स में, ठीक है, और वही उस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था, बाकी मुल्क की तो सत्यानाश हो चुकी थी 6 साल की वॉर के जंग के दौर पे। तो इसलिए सारा होल्ड जो है इसका अमेरिका के पास ही, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है नेटो का। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबसे लाइट जो ग्रीन कलर है उसमें, आप ब्लू कलर सॉरी, उसमें वो स्टेट्स हैं जो सबसे पहले जो ज्वाइन किया, और जैसे जैसे उसका कलर डार्क होता जा रहा है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ठीक है, ये जो मिडिल यूरोप का एरिया है, ठीक है, इस एरिया के अंदर आप देखेंगे तो ये वो कंट्रीज है जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। और 2022 और 23 के अंदर हम देखते हैं तो 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया, ठीक है, और 2024 में इस टाइम पे स्वीडन ने जो है वो ज्वाइन कर दिया, और यूक्रेन आपको पता है वहां पर वॉर लगी हुई है, क्योंकि उसका भी अभी इश्यू चल रहा है कि उसको शामिल किया जाए साथ में। अब फियर ऑफ रशियन मिलिट्री थ्रेट के, असल में इन्होंने ज्वाइन क्यों किया, यानी स्वीडन ने क्यों ये महसूस किया कि उसको अपनी न्यूट्रलिटी जो है उसको खत्म करना चाहिए, और यही जो है वो हाई टाइम है इस न्यूट्रलिटी को खत्म करने का। उसने ऐसा क्यों महसूस किया, देखिए उसने ऐसा इसलिए महसूस किया क्योंकि अब जो हालात दुनिया के अंदर बन रहे हैं, एक तो हालात इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है जी, यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो है ये जो हालात बने हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम देखते हैं जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं और जो जिस तरह से जो है वो साइड ली जा रही है, तो ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए अकेला रहना, कि अब थ्रेट्स जो है वो ज्यादा पैदा हो गए। इसका मतलब दुनिया के अंदर हालात जो है वो ज्यादा अनार्की की तरफ जा रहे हैं, और यही रियलिस्ट अप्रोच है IR के अंदर, ठीक है, कि दुनिया में अनार्की है और किसी भी टाइम पे कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब अब स्वीडन ने यह महसूस किया कि यार किसी भी टाइम पे वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो सकती है, तो इससे पहले कि वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो जाए और मैं न्यूट्रल ही रहूं, तो मुझे तो कल को कोई नहीं देखेगा कि यार ये न्यूट्रल था, चलो इसको छोड़ दो, ऐसा ही है, तो मैं तो रशिया के रास्ते हैं, वो रशिया मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझ पर अटैक करेगा। सो इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई मुझ पर अटैक करे मैं उस पर अटैक कर दूं, ये एक स्ट्रेटेजी है, या मैं अपनी पावर को बढ़ा लूं। तो अल्टीमेटली अब इस अनार्की के वर्ड के अंदर उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, ठीक है।
दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कुछ हालात जो हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर यानी 2021 के बाद से हमने देखा, ये खास करके 2022 के बाद से जब यूक्रेन की इन्वेजन स्टार्ट हुई, ठीक है, वो भी अचानक से हुई ना, तो उससे इन मालिक को जो कंट्रीज, जैसे अब यूक्रेन भी उन मालिक में शामिल है जिसने अपना असला भी जो है वो खत्म कर दिया था जब सोवियत यूनियन टूटा था, ठीक है, उसने कहा भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैं अब पीस के साथ रहूंगा, लेकिन दुनिया ने उससे सबक सीखने की कोशिश की कि यार देखो उसने भी सब कुछ छोड़ा, असला नहीं बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब क्या हुआ उसके साथ, वो बेचारा किन हालात में है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे मजीद जो है प्रोपेगेंडा करके ये फियर फैलाया गया इन स्टेट्स के अंदर कि भाई अगर आप भी नहीं रहेंगे तो रशिया तो उसका तो दिमाग खराब है प्यूटिन साहब का, तो वो तो किसी भी टाइम पे आप अटैक कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर किसको आप जो है ब्लेम करेंगे, क्योंकि स्टेट्स एक्चुअल में स्टेट्स की मॉरल वैल्यूज नहीं होती, ये याद रखिएगा, न्यूट्रलिटी एक मॉरल वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, कि भाई मैं किसी जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन स्टेट्स के लिए मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्टेट्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आईआर के अंदर पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सामने रख के इन्होंने फिर कहा नहीं भाई अब ये जो न्यूट्रलिटी है इसको मारो गोली, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को मारो गोली, अब हमें किसी ना किसी साइड पर जाना है। तो जो रिसेंट ईयर के सर्कमस्टेंसेज बने उसमें हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन ने के ऊपर जो अटैक किया गया, इसने क्या किया जी, इसने एक सोच डेवलप की, ठीक है, और प्रोपेगेंडा के थ्रू इसको बढ़ाया गया, और 24 फरवरी 2022 को आपको पता है ये अटैक जो है वो हुआ। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भाई यहां पे जो इसका बॉर्डर है, जैसे स्वीडन है, स्वीडन के साथ फिनलैंड है, तो यहां पे देखिए इस पिक्चर के अंदर ये हमारे पास है फिनलैंड जिसने 2023 के अंदर ज्वाइन किया, तो फिनलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है किसके साथ जी, रशिया के साथ। अब देखिए ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 1300 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर है इसका मतलब यहां पे फिनलैंड को तो हर टाइम पे थ्रेट था, ठीक है, कि भाई ये किसी भी टाइम पे इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, जैसे यहां पे यूक्रेन के ऊपर हुआ, तो ये खुद को कैसे डिफेंड करेगा, इतना बड़ा बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है, तो इतना बड़ा बॉर्डर है तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, तो उससे बेहतर ये है कि भाई हम अलायंस का हिस्सा बन जाए, गो कि स्वीडन थोड़ा सा इस साइड पे है, लेकिन स्वीडन जो है इसके पास बहुत पावरफुल फ्लीट है, इसकी नेवल फ्लीट है, जो कि यहां पे ये जो बाल्टिक सी है, ये जो आपको बीच में देखने को मिल रहा है ये बाल्टिक सी है, ये साइड पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, यहां पे भी इसका कंट्रोल है कहीं ना कहीं, और बाल्टिक सी के अंदर भी, और बाल्टिक सी से ही रास्ता जा रहा है रशिया का, रशिया की यहां से ट्रेड होती है, आना जाना उसका होता है, तो अगर ये सारे कंट्रीज नेटो का हिस्सा बन जाएंगे तो अल्टीमेटली रशिया यहां पे फंस जाएगा, ये रशिया को ट्रैप करने की स्ट्रेटेजी है, समझ रहे हैं, कि दुश्मन को अकेला करके उसको फिर मारा जाए, तो यहां पर उसको ट्रैप कर रहे हैं ताकि उसकी इकोनॉमी बाउंड हो जाए यहां पर, और उसको कोई रास्ता ना मिल सके यूरोप में इन होने का, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो, तो ये कोशिश की जा रही है, इसलिए स्वीडन जो है उसको फोर्स भी किया गया वो ज्वाइन करे। जाहिर बात है जब थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं, खौफ पैदा होता है, तो फिर अवाम के थ्रू, अवाम के अंदर एक फियर पैदा किया जाता है, अवाम के अंदर एक राय डेवलप की जाती है कि भाई आप अपनी स्टेट को इस बात पे फोर्स करें कि वो ज्वाइन करे, समझ रहे हैं, तो फिर लीडरशिप जो है उसे करना पड़ता है। तो रिसेंट ईयर में हम हालात देखते हैं, तो वो हालात क्या बने हैं जी, कि उसमें हम ये देखते हैं कि अब हंगरी जो है वो लास्ट मुल्क था जिसने, अब इससे पहले टर्की है, टर्की से पहले हंगरी था जिसने जो है वो इजाजत नहीं दी हुई थी, रेक्टिफाई नहीं किया हुआ था कि स्वीडन जो है वो इसका इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि वोटिंग होती है जाहिर बात है, और वोटिंग में जब तक सारे मालिक वोटिंग नहीं करेंगे कि भाई हाँ अपने आप मेंबर शामिल कर सकते हैं, तब तक वो शामिल नहीं होगा, तो हंगरी को भी अपनी लालच थी, ठीक है जी, इसी तरह से टर्की को भी अपनी लालच थी, तो दोनों की अब लालच पूरी हुई है, तो उन्होंने जो है फिर वो रेक्टिफाई कर दिया कि ठीक है भाई आप शामिल हो जाओ। तो रिसेंट ईयर के हालात में हम देख रहे हैं जी कि जो लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो सबसे ज्यादा सामने आ रही है, कि स्वीडन ने ये महसूस किया कि भाई उसकी जो तैयारी है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, इसलिए अगर कहीं वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वो उसके वही हालात होंगे जो यूक्रेन के हुए, और यूक्रेन भी तो करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, उससे पहले ही अटैक हो गया, तो यहां पर भी एक थ्रेट था कि भाई इससे पहले ही मैं ऐसा ना हो कि ज्वाइन कर ही ना पाऊं और अटैक हो जाए और फिर मुश्किल हो जाए, तो इससे पहले जो है मैं ज्वाइन कर लूं इसे। और रिसेंट हमने देखा, ये बताया जा रहा है कि 2013 के अंदर जो है वो रशियन बॉम्बर प्लेन्स जो है उन्होंने फिनलैंड के ऊपर जो है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड के ऊपर फ्लाई किया, ठीक है, और उनके कुछ इरादे अच्छे नहीं थे, कुछ नए इरादों से वो जो है बॉर्डर के ऊपर नहीं आए थे, और क्योंकि स्वीडन के पास इतनी पावर नहीं थी कि उसे रोक सके, तो स्वीडन को एक थ्रेट महसूस हुआ कि यार ये तो रशिया का जब दिल करेगा वो प्लेन भेज के मुझे जो है ना यहां पर तबाह कर देगा या अटैक कर सकता है मेरे खिलाफ, ठीक है, तो इस तरह जो है वो रशिया को, स्वीडन को जो है महसूस हुआ कि उसकी वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है जो होनी
चाहिए थी, ठीक है, ये हालात बने। इसके साथ साथ रशियन सबमरीन जो है वो इनके समुद्रों के अंदर आई, इनके पानी के अंदर आई, खास करके स्टॉकहोम जो आर्किपेलियो है, ठीक है, आर्किपेलियो ज्योग्राफी के अंदर ऐसी टर्म है जहां पे छोटे 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 बहुत सारे जजीरे हों, ठीक है, एक साथ मिले हुए छोटी छोटी पहाड़ियां समंदर के अंदर आप कह लें, जैसे ये पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉकहोम उनका जो कैपिटल है स्वीडन का, वहां पर उसके पास ही जो है रशियन जो है आप ये कह लें उसकी नेवी को डिटेक्ट किया गया, तो उससे भी एक थ्रेट जो है वो महसूस हुआ, क्योंकि रशिया को भी इस बात का अंदाजा था कि यार ये एरिया अगर उसके हाथ से निकला तो उसके लिए समंदर बाल्टिक सी जो है वो निकल जाएगा और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये हालात ऐसे थे रीसेंट ईयर्स के अंदर जिसने जो है वो फोर्स किया स्वीडन को कि भाई वो किसी ना किसी तरह जो है वो ज्वाइन करे इस अलायंस को। स्वीडन शिफ्ट अवे फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंस, के स्वीडन जो है वो क्यों न्यूट्रल स्टैंस से शिफ्ट हुआ। हम अगर हिस्ट्री देखते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन जो है वो 200 साल से न्यूट्रल रहा, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, और पिछले दो डिकेड्स के अंदर पिछले 20 सालों में आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी न्यूट्रलिटी थी वो चेंज हुई इन हालात इन सर्कमस्टेंसेस को देख के, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे या वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे भी न्यूट्रल रहा और उसके बाद से भी इसने खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहा, यानी अपने आप को इस तरह से, अब जैसे मॉरल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं ना, तो अपने आप को आईआर के अंदर से दिखाने की कोशिश की कि भाई मेरी बहुत हाई लेवल की मॉरल वैल्यूज हैं और मैं किसी जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा या मैं किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनूंगा, ठीक है, पीस का तो हिस्सा होऊंगा, वॉर का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये इसने कहा। तो ऐसे में जो है ये इसने अपने आप को इसी तरह से पोर्ट्रे किए रखा, लेकिन वो चीजें अब जो है वो जाके मुश्किल हुई और खास करके 2021 में जो है, ठीक है, वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। और 1991 जिस टाइम पे सोवियत यूनियन टूटा उस टाइम पे, उसके बाद से इवन स्वीडन ने मजीद अपना जो असला वगैरह बनाना था उसको मजीद कम कर दिया, उसकी प्रोडक्शन को मजीद कम किया कि भाई अब तो सोवियत यूनियन भी टूट गया, इसका मतलब अब थ्रेट नहीं है, अब मैं मजीद न्यूट्रल रह सकता हूं। लेकिन 2021 के बाद से चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इससे पहले 2021 में खुद इन्होंने रिजेक्ट किया था स्वीडन ने कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे नेटो का और हम जो है वो नॉन अलाइड ही रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है चेंज हुई तो अब आखिर में टर्की और हंगरी जो है इन्होंने जो है वो इजाजत दी। अब यहां पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए ये हमारे पास है स्वीडन, ठीक है, यहां पे है ये बाल्टिक सी और ये है रशिया। तो रशिया को जो यहां पे एक समंदर लग रहा है गर्म पानी का वो है ये बाल्टिक सी, यहां से इसका रास्ता जाता है। लेकिन लेट्स सपोज अब ये फिनलैंड तो ऑलरेडी 2023 के अंदर मेंबर बन चुका, अब ये भी 2024 के अंदर मेंबर बन चुका, तो बाल्टिक सी के अंदर अगर एक स्ट्रॉन्ग नेवी यहां पे होती है, ठीक है, जिसको नेटो की सपोर्ट हासिल होती है और नेटो की जाहिर बात है यहां पे अब सपोर्ट हासिल होगी स्वीडन के बाद, तो यहां पे रशिया के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा, रशिया के लिए ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा। तो जब रशिया के लिए ये एरिया ब्लॉक है, दूसरी साइड पे यूक्रेन की अगर वॉर में भी नेटो अपने आप को पावरफुल साबित करता है तो वहां पे भी ब्लैक सी के अंदर भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कैसे रशिया अपने आप को मैनेज करेगा, जिसकी डील्स होती हैं जो ग्रेन्स वगैरह वो सप्लाई करता है, ठीक है, ये अपने मुल्क के अंदर चीजें आती हैं, तो वो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। तो ये इस तरह से इसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये किसी साइड से भी यूरोप के अंदर जो है दाखिल ना हो सके, ठीक है। अब टर्की की अगर हम बात करते हैं तो टर्की ने क्यों इजाजत दी, देखिए टर्की 2023 में जुलाई में हमने देखा कि उसने कुछ जो है वो पहले लचक शो नहीं की, उसके बाद हमने जुलाई 2023 के बाद से हमने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ये सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिए कि भाई हम अलाउ कर देंगे स्वीडन को कि वो मेंबर बने, लेकिन हमारी कंडीशंस हैं, और कंडीशंस उन्होंने क्या रखी, उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमें F-16 की डील दें आप, ठीक है जी। इस तरह से उन्होंने F-16 की डील ली और उसके बदले में स्वीडन को जो है वो इन किया, समझ रहे हैं, एक तो इनका फायदा हो गया। इसी तरह से हंगरी जो है उसने भी इसीलिए किया कि उसने भी रिजेक्ट किया हुआ था यहां पे, तो उसने भी जो है वो अपने लिए कुछ मांगा, उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने फाइटर जेट्स की डील की, ठीक है, तो उन्होंने फाइटर जेट्स की डील की स्वीडन के साथ और उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई अब आप इन हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने अपने फायदे उठाए उसके बाद इन्हें इन कर दिया। अब स्वीडन जो है जब नेटो का हिस्सा बन गया तो अब सवाल यह है कि नेटो का इसका क्या फायदा होगा। देखिए हम ये देख रहे हैं कि नेटो की पावर तो जाहिर बात है इंक्रीज हो रही है, अब वो 32 मेंबर्स हो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहे हैं, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अगर पूरा यूरोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से नेटो का हिस्सा बन जाता है तो फिर तो रशिया बिल्कुल अकेला हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हालात बहुत डिफरेंट हो जाएंगे यहां पर। फिर ये जैसे कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सारे ममालिक एक साइड पर हैं, तो ये एक नया जो है यहां पर एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि किसी और मुल्क के ऊपर अटैक होता है जैसे ही रशिया की तरफ से तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, उसके अगेंस्ट में वही जो है अलायंस सामने आएगा नेटो का, जैसे वर्ल्ड वॉर थर्ड के अंदर जो है हमने देखा अलायंसेस सामने आए सेकंड के अंदर, सॉरी। तो ये चीजें हमें यहां पे देखने को मिलेंगी।
तो नेटो को इससे क्या फायदा होगा जी कि जो स्वीडन है इसकी जो नेवल पावर है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, इसके नेवल फ्लीट्स बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है जी, इसकी सबमरीन्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, पावरफुल हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इनकी। तो ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स हैं और ये जो फ्लीट्स हैं इसके, ठीक है जी, अब ये बहुत ज्यादा फायदा देंगे। इसी तरह से जो फाइटर जेट हैं ये भी नेटो को फायदा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बाल्टिक ओशन के अंदर और बाल्टिक सी के अंदर जो है वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे किसको जी, रशिया को। तो इस तरह से नेटो की पावर जो है वो बढ़ेगी। और ये अलग बात है कि दुनिया जो है वो मिलिट्री के बेस के में कन्वर्ट होती जा रही है, दोबारा से वही हालात हम देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जाहिर बात है जा रहे हैं। तो चीजें वैसे ही जो है हर साइड पे सिक्योरिटी और आपको जो है ना मिलिट्री ही देखने को मिलेगी। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये सिर्फ नाम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है आपके ऊपर जो है वो जासूसी होगी, सब कुछ होगा, हर चीज जो है कंट्रोल है, लीडरशिप जो आ रही है वो कंट्रोल है। तो हर चीज अब कंट्रोल होके आएगी और मिलिट्री ही उसे एक्चुअली में कंट्रोल करेगी, हम जो देख रहे हैं, जैसे हमें अपने मुल्क के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो रशिया जो है उसके लिए थ्रेट है, जाहिर बात है, पॉलिटिकल और मिलिट्री और टेक्निकल काउंटर मेजर्स जो है वो रशिया कह रहा है मैं लूंगा, ठीक है। तो रशिया ने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि रशिया क्या करेगा जी, मिलिट्री टेक्निकल स्टेप लेगा वो, ठीक है, और काउंटर मेजर्स लेगा, यानी वो अगर बाल्टिक सी के अंदर अपनी पावर को या अपनी जो इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाना चाहेगा तो वहां पर वो कोशिश करेगा, अपने इन बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। तो इससे एक थ्रेट पैदा होगा। अगर रशिया के अंदर हम बात करें इसका क्या फायदा है नुकसान होगा, तो फायदा है क्योंकि 15 और 16 अभी जो कल आने लगी है, 15 और 16 मार्च को वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले 7 ही दिन पहले आप अगर देख लें कि एक ऐसा हालात पैदा होते हैं जिसमें रशिया को अकेला करने की कोशिश की जाती है, दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर बात है रशियन नेशनलिज्म जो है वो उजागर होगी। तो उससे प्यूटिन साहब के तो पहले ही चांसेस थे जीतने के ज्यादा, तो अब मजीद जो है उनके चांसेस बढ़ गए हैं कि ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है कि ये इलेक्शंस वो जीत जाएंगे और ये उसको उनको फायदा देगा इंटरनली। और उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो दुनिया की साइड पे जा रही है एज ए होल, अगर हम आईआर की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया जो है वो अब स्टेज सेट हो रहा है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शायद चीजें इतनी ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब आगे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी तो यही सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी कि भाई अच्छा ये भी हुआ कि स्वीडन ने जो है नेटो को ज्वाइन कर लिया, उससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया, फिर जो है वो रशिया ने कहा मैं अटैक करूंगा, मैं जो है वो काउंटर मेजर्स लूंगा, फिर अटैक हो गया एक बार और फिर इस तरह से ये अलायंस और ये अलायंस। तो इस तरह से हमें देखने को चीजें मिलेंगी। खुदा ना करे ऐसा हो, हमें पीस की दुआ करनी चाहिए, लेकिन जाहिर बात है दुनिया को जो लोग पीछे से रन कर रहे हैं ना वो 1% पॉलिसी मेकर्स एक्चुअली में, उनको पीस नहीं चाहिए, याद रखिएगा, उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, कम आबादी चाहिए और दुनिया कंट्रोल चाहिए और उन्हें जो है ना पैसा चाहिए। तो ये चीजें जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होंगी, क्योंकि जब पीस होगा तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, तो जब वॉर होगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। तो वॉर उन्हें सूट करती है, पीस उन्हें सूट नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये जो है स्वीडन जो है नेटो को उसने ज्वाइन कर लिया।